इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मंगलवार को भी ईडी के सामने नहीं पहुंचे। उन्होंने ईडी को पत्र लिखा और अनुरोध किया कि वो उनका बयान ऑडियो या वीडियो किसी माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। कल सुबह 11 बजे उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं गए। देशमुख की ओर से मंगलवार को ईडी कार्यालय में उनके वकील इंद्रपाल सिंह हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हमने दस्तावेज देने के लिए ईडी से एक सप्ताह का समय मांगा। हमारी सूची अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन हमारे पास जो है वो हम ईडी के पास जमा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के में अनिल देशमुख को बुलाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। और अब आपको बताते हैं, अनिल देशमुख ने ईडी को क्या पत्र लिखा। मैं 72 साल का बुजुर्ग हूं, मुझे हार्ट बीपी और की समस्या है। 25 जून को मेरे घर की तलाशी के दौरान लंबा समय पूछताछ के लिए आपको दे चुका हूं, इसीलिए कोरोना के इस दौर में मेरा फिर आ पाना संभव नहीं है। मैं अपने अधिकृत प्रतिनिधि को आपके पास भेज रहा हूं। ईडी ने पिछले सप्ताह ही देशमुख को पूछताछ के लिए अपने दक्षिण मुंबई कार्यालय बुलाया था, लेकिन तब भी वो और समय मांगकर हाजिर नहीं हुए। उन पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री रहते हुए पुलिस अधिकारियों को 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली का टारगेट दिया था। आरोप है मुंबई पुलिस से बर्खास्त किए जा चुके एपीआई सचिन राजे ने अनिल देशमुख के निर्देश पर कई ऑर्केस्ट्रा बारों से 4,70,00,000 रुपए वसूले और 2 किश्तों में अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे को दिए। ये पैसा हवाला के जरिए दिल्ली में रजिस्टर्ड 11 कंपनियों को भेजे गए। इन कंपनियों से 4,18,00,000 रुपए देशमुख की अध्यक्षता वाली एक ट्रस्ट को दान स्वरूप भेजे गए। ईडी इस लेन देन की पूरी जानकारी हासिल कर चुकी है। वो इस मामले में देशमुख के 2 सहयोगियों कुंदन शिंदे और संजीव फलांडे को गिरफ्तार भी कर चुकी। माना जा रहा है खुद अनिल देशमुख पर भी ईडी का शिकंजा कस सकता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।